सियासी उठा पटक के बीच हुड्डा परिवार अपने किस्मत आजमा रहा है। जहां कल उत्तर प्रदेश में सियासत की विरासत बचाने के लिए राहुल गांधी रायबरेली सीट पर नामांकन किया, तो किशोरी लाल शर्मा अमेठी में नामांकन किया। वहीं एक दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज राज बब्बर ने भी गुरुग्राम सीट के लिए भी नामांकन कर दिया है। कांग्रेस नेता और रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन भर दिया है। उनके साथ उनके पिता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद रहे। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपने आवास पर हवन यज्ञ किया, अपनी पत्नी के संग हवन यज्ञ में आहुति डाली। वहीं इस दौरान उनके पिता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व माता आशा हुड्डा भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा अब तक 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें वो 3 बार जीते, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें कड़े मुकाबले में भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो राज्यसभा सांसद बने। हुड्डा अगर जीतते हैं तब भी कांग्रेस का नुकसान होगा, अगर हारते हैं तब भी नुकसान होगा। हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 46 विधायकों के वोटों की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखा जाए तो हरियाणा ने कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, भाजपा के पास 40 और बाकी 10 अन्य व निर्दलीय हैं। निर्दलीय भाजपा को समर्थन पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में संख्या बल को देखा जाए तो राज्यसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त मत नहीं है। अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीतते हैं तो उनको राज्यसभा की सीट को छोड़ना पड़ेगा और हरियाणा से कांग्रेस की इकलौती राज्यसभा सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की संसादी कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई ही है। अब दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में खड़गे का साथ देंगे कि लोकसभा में राहुल का परचम बुलंद करेंगे।